ओ माय गॉड, 5000 साल पुरानी स्मार्ट सिटी। मजाक तो नहीं कर रहे भाई? नहीं भाई, वो भी अपने इंडिया में। पर है किधर? अबे गुजरात में है। ओ रियली? हाँ भाई, वो भी धोलेरा के पास। पर इतनी पुरानी स्मार्ट सिटी कैसे? हाँ हाँ, तू चेक कर, लोथल की टाउन प्लानिंग। कभी सबके घर में बाथरूम, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, फुटपाथ, टॉयलेट, पोर्ट कनेक्टिविटी, ऐसा बहुत कुछ तैयार था। ओ तेरी माँ की आँख, पर ये इतना कैसे? फिर भी ये तो थोड़ा भी फेमस नहीं है। नो मैन, 3-4 साल रुक जा, ये वर्ल्ड फेमस नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देना। अबे ओ कैसे? ओहो, चल तुझे प्रभात जी के पास ले चलता हूँ, वही तुझे ठीक से समझा पाएंगे। ओके, लेट्स गो। धोलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास डेवलपमेंट, यानी धोलेरा के पास एक ऐतिहासिक शहर लोथल, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के देखरेख के लिए और उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इसी इन्वेस्टमेंट के कारण उस एरिया का इकोनॉमी, उस एरिया की रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी उछाल देखने मिलेगा। वो कैसे, चलिए समझते हैं। गुजरात अहमदाबाद से करीबन 78 किलोमीटर दूरी पे एक ऐतिहासिक शहर लोथल विराजमान है। अब ये शहर तो नहीं रहा, शहर की निशानी दिख जाता है। ये लोथल लगभग 5000 साल पहले गुजरात की वाल रीजन में बसी हुई थी। तभी ये एक पोर्ट सिटी हुआ करता था। देश विदेश से काफ़ी चीज़ें यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। यहाँ एक डिसिप्लिन प्लान सिटी बनाया गया था। इतिहास में सिंधु घाटी या इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। ये शहर में तभी ईंट की रास्ते, पानी स्टोर करने के लिए कुआं, ज्वेलरी बनाने का भट्टी, कई सारे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। आज भी उसके अवशेषांश आपको लोथल की म्यूजियम में देखने मिल जाएगा, या लोथल की साइट के ऊपर आपको पुराने दीवारें, रास्ते, ये सब कुछ दिखेगा। मुश्किल से 25-30 किलोमीटर दूरी पे धोलेरा स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जो एक इंडस्ट्रियल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए अप्रोक्सीमेटली 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो स्मार्ट सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के आसपास लोथल होने के कारण ये टूरिस्ट लोकेशन की भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। लोथल यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के कदार में है। लोथल की म्यूजियम आज काफ़ी खराब हालत में है। आसपास की रास्ता, पब्लिक फैसिलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान या बाजार कुछ भी नहीं है। इसी ओल्डेस्ट स्मार्ट सिटी की देखरेख या म्यूजियम की मेंटेनेंस काफ़ी खराब हालत में था, लेकिन आज के तारीख में करीबन ₹4000 करोड़ की लागत में एक बेहतरीन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्दी ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। गुजरात सरकार ने 375 एकड़ जमीन को एलोकेशन कर चुका है। अथॉरिटी के मुताबिक ये वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स के लिए टाटा ग्रुप, सापुरजी पालनजी, KEC इंटरनेशनल, क्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर, अलुवालिया कॉन्ट्रैक्टर ने अपना बिडिंग सबमिट किया है। ये वर्ल्ड के लिए एक बड़ी मैरीटाइम म्यूजियम के रूप में तैयार हो जाएगा और ये 3 फेज में निर्माण किया जाएगा, जो इंडिया में ये पहली बार हो रहा है, और आने वाले 2026 तक ये तैयार हो जाने का संभावना है।
ये 4000 की प्रोजेक्ट धोलेरा के आसपास बहुत मायने रखता है। धोलेरा के लिए वर्ल्ड क्लास म्यूजियम एम्यूनिटीज वो भी 25 किलोमीटर दूरी पे। सोने पे सुहागा, स्मार्ट सिटी की विजिटर्स यहाँ आके देख सकते हैं और साथ साथ में धोलेरा स्मार्ट सिटी के जो वासी है उन लोगों के लिए ये एक वीकेंड डेस्टिनेशन बन जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट लोथल या उसके आसपास की गांव के इकोनॉमी में काफ़ी सुधार लाएगा। ये एरिया की रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस करेक्शन होगी और आने वाले टाइम पे लोथल के आसपास बढ़िया होटल, रेस्टोरेंट, बाजार और कई सारे वीकेंड होम किसके लिए, धोलेरा वासियों के लिए यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। तो आप कभी भी धोलेरा विजिट कर रहे हैं आप जरूर लोथल विजिट करना और हो सके तो आप अपने बच्चों को ये 5000 साल पुरानी स्मार्ट सिटी जरूर दिखाना। तो दोस्तों, स्मार्ट सिटी के अंदर या स्मार्ट सिटी के बाहर कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे प्लॉट में चाहे लैंड में, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रीसेल के बारे में समझ लीजिए। आप बोलोगे कि मुझे रीसेल करना ही नहीं है, मुझे 15 साल 20 साल होल्ड करना है या मैं मेरे बच्चों को दे जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे इन्वेस्टरों को देखा हूं जिन्होंने 5 साल 6 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदे थे और उनके घर पे किसी प्रकार की तकलीफ के कारण आज वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं लेकिन उनका प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है। जिन्होंने उनको बेचा था उनके पास टाइम नहीं है और जो प्रॉपर्टी खरीदा गया था वो गलत रेट में खरीदा गया था या गलत लोकेशन पे खरीदा गया था जिसके कारण वो प्रॉपर्टी आज खुद भी नहीं बेच पा रहे हैं। तो इसीलिए आज के तारीख में आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पे भी प्लॉट या लैंड खरीद रहे हैं, आप सबसे पहले उसकी रीसेल की अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ लीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए आप हमारे ये नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना रिक्वायरमेंट लिख के भेज दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए क्योंकि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।